क्योंकि अब मैं जानता हूं मेरे सामने शामाइन उतने ही हैं जितने जदयू के पास विधायक, लेकिन बिहार वालों ये बिहार का तेवर है, मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। वाह 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 वाह, बहुत मैं दो पंक्तियों से अपनी बात, और इन दो पंक्तियों पर आपने लैला बनती हुई देखी है, आपने यहाँ कौम का ईमान बनते हुए देखा है, लेकिन आपके और हमारे पुरखों ने क्या बनाया? 250 साल का जो संघर्ष है, जिसके बाद हमने 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 3,000 जातियां, 35,000 उपजातियां और 650 कबीलों का ये मुल्क तैयार किया, ये ऐसे ही नहीं बना था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, क्या खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है। वाह 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 वाह, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है, और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह 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 वाह, खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। और मैं जिस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं जिस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ वो हिंदुस्तान है जहाँ अकबर की सेना का सेनापति नेतृत्व राजा मानसिंह के हाथों में होता है, और महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति नेतृत्व हाकिम खान निभाते हैं। तो मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। उसके बावजूद कहा जाता है कि 14 अगस्त मध्य रात्रि 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ था। अपने इतिहास को याद कीजिए, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था, गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, खन खना हट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की, राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके पंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, लेकिन उन कुर्बानों के लिए हमने किया क्या सर? जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या है, सपना केवल एक देखा, मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। अरे जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मजवाया है। और बिहार की जमीन पर सच्चाई को एक दस्तक दे रहा हूं, और मुझे डरे सहमे हुए लोगों के तालियों की आवश्यकता भी नहीं है। जो मंदिर रखने लायक थी रामप्रसाद बिस्मिल की बहन, जो मंदिर रखने लायक थी वो देवी रखी पनघट पर, और चुन चुन गुंडे भेजे हमने लोकसभा की चौखट पर।
और ये सिर्फ हवा में कहने वाली बातें नहीं है। वर्तमान संसद में 12 सांसद वो बैठते हैं जिन पर माफिया सरगना होने के आरोप दर्ज है। 7 सांसद वो बैठते हैं जिन पर लूट अपहरण और बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं और शर्म से नजरें झुक जाएंगी आपकी। 2 सांसद वो बैठते हैं जिन पर दुकान से सामान चोरी करने के केस चल रहे हैं। वाह वाह क्या बात। लोकतंत्र की महानता की बात कर रहे हैं साहब और संसद की लोकसभा में खड़े होकर किसी एक कौम को आज गाली दे दी जाती है। हम सब ने वो शर्मनाक मंजर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा है। उसके बाद ईमान मजमे वालों आपके समक्ष केवल एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने आजादी के इतिहास को पढ़ा है, गाया है, सुनाया है। एक पन्ना आता है जब 85 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजर बंद थे। अंग्रेजों के एक चापलूस ने उनके नाम 2 पंक्तियां लिखी और जफर को सुनाई। कहा, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। अरे जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। क्या उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और जेल की दीवारों पर उन 2 पंक्तियों के साथ 2 पंक्तियां और शुमार की जो एक हिंदू माँ के बेटे के लिए मुसलमान भाइयों के ईमान का प्रमाण है। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। है जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, तो जवाब भी सुनते जाएं, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। क्या कहें, वाह 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 वाह। तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और हिंदुस्तान वो देश है जहाँ मुसलमानों की पहचान अजमल कसाब से नहीं होती जो ताज होटल में घुसकर 166 लोगों को मौत के घाट उतार दे। इस मुल्क में मुसलमानों की पहचान होती है तो कब्रिस्तान के उन खुददार रखवालों से जो बंबई कब्रिस्तान के बाहर खड़े हो गए और कहे मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। सलाम करता हूँ आपकी कौम को। और मुझे ये कहने में ना कोई संकोच है ना कोई डर है कि जो हिंदुस्तान के टुकड़े होने की बात पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोल सकता है, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार भी नहीं हूं। वाह 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 वाह। और मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ ये आपके और हमारे भाईचारे का सबूत है। या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और सच लिखने में जिस दिन भी कांप गई कलम, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम। क्या बात है। मैं बचपन से सुनते आया हूँ। समय की से कितना वक्त है सर मेरे पास? समय समय की अपनी सीमाएं हैं और मैं अपनी हदों को जानता हूं, इसलिए जाने से पहले आपने अब तक काव्य पाठ सुन लिया है और वीर रस का इकलौता हिंदी कवि हूं मैं इस मंच पर। आपने काव्य पाठ सुन लिया है, कर्तव्य पाठ करने का अवसर मुझे दे दीजिए। और कर्तव्य पाठ इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि सच्चाई इस मंच के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ दिशागण बैठे थे, चले गए हैं, होते तो उनके समक्ष भी बोलता 4 पंक्तियां। पुनः सच्चाई के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं और दरवाजा कितनी गर्म जोशी से आप खोलते हैं मुझे एहसास कराई कि एक बिहारी सचमुच 100 पर भारी होता है, क्योंकि विधानसभा का प्रांगण हमको बेनूर दिखाई देता है। बिहार विधानसभा, विधानसभा का प्रांगण हमको बेनूर दिखाई देता है। विकास पुरुष भी सत्ता मद में चूर दिखाई देता है। क्या कहने, वाह 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 वाह। अगर ये मंच सच्चाई नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? विधानसभा का प्रांगण हमको बेनूर दिखाई देता है। विकास पुरुष भी सत्ता मद में चूर दिखाई देता है। अरे बिहार का तो मुस्तकबिल मजबूर दिखाई देता है और हर कोयला राजनीति में कोहिनूर दिखाई। अरे वाह 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 वाह। हर कोयला राजनीति में कोहिनूर दिखाई देता है। लेकिन आप विचारिए आखिर क्या कारण है कि पिछले 900 वर्षों में शक, हूर, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। कारण नहीं, इसकी आप दिल से, अरे कोई बात, आपका ये स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया।
बस दिल से दिल की मोहब्बतें मिलती हैं तो शायद हम प्रदेश को बदलने का काम। वाह 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 वाह। मैं अंतिम पंक्तियां सीधे सीधे आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि इस मुल्क को आज जिस बात की आवश्यकता है, शायद समय की सीमाएं खत्म हो जाएं, वो बात ना कह पाऊं आपसे, लेकिन पहली उंगली मैं अपनी तरफ उठाना चाहता हूं। और संकल्प लीजिए, यहाँ जो लोग इश्क मोहब्बत के तरानों पर कूद कूद कर अपनी वाह और अपनी दाद दे रहे थे, चचा आप लोग भी जितने उत्सुकता के साथ सुन रहे थे, उसी उत्सुकता को आमंत्रित कर रहा हूँ, क्योंकि खुदा ने अगर दिल में इबादत के लिए इश्क दिया है तो रगों में इंकलाब के लिए खून भी दिया है। उस खून की हरारत को मत भूलिएगा। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, चाहे आसाराम हो या राम रहीम। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। अरे फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। क्या कहने, हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे, अरे कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे। वाह वाह वाह। अंतिम एक मिनट आपसे चाहता हूं और आप सब की इजाजत, जिन पानी देंगे और मेरे काव्य पाठ के इस अंतिम चरण में अगर आप सब ने अपनी बेदारी दिखाई तो इफ्तिखार आलम साहब और आरिफ भाई आप जहां भी हो, ये जो खाली कुर्सियां दिखाई दे रही हैं ये भी तालियां बजाएंगे। ये दावा मैं कर रहा हूं और आपके बलबूते पर, आपकी सनद पर, क्योंकि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं आती, चीखें लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त लिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो हिंदुवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया। क्या बात, और ये देश सिर्फ सरहदों पर घायल नहीं होता है, अरे जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दुदबुहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, अरे शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते झूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को, अरे न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। और अंतिम पंक्तियां मुझे विदा कीजिए, एक संकल्प लीजिए और हम आगे चरण में चले मुशायरे के। जिन लोगों तक ये बात न पहुंची हो उन्हें भी संकल्प दिखाई दिलाइए, कसम उठवाइए। आज हमने कौम की नुमाइंदगी की बात की, आज हमने हिंदू मुसलमान एक करने की बात की, मोहब्बत की बात की, माँ की बात की, लेकिन मादरे वतन को मत भूलिए, भारत माता को मत भूलिए। प्रीत की जो शीत गिरे गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरा रे और चाल ढाल मधमास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा, पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की पीर सुनाऊंगा, आजाद भगत सुभाष पटेल को राग कुरेद जगाऊंगा, अशफाक उल्ला खां की भांति काकोरी दोहराऊंगा, और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग
का जय गान लिखूंगा दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान।